से भी ले लेता है। हजरत मूसा जैसे अजीम पैगंबर की परवरिश अल्लाह ने फिरौन के गोद में करा करके ये साबित कर दिया कि अल्लाह अपने दीन का काम जिसे चाहे ले ले। इदारी साहब कहते हैं, या रसूल अल्लाह हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा। कभी कभी आप बोलते रहे, दिन का मामला है। बिहार में एक जलसा हो रहा था, बाएं वाले मुंह बंद करके सो रहे थे और दाहिने वाले मुंह खोल करके सो रहे थे। बंगाल से मौलाना आए थे तकरीर करने के लिए, तो बोले जी को गरीब कैफियत है, सब लोग सो रहे हो, तो मजबे से आवाज आती है जो मुंह बंद करके सो रहे। हजरात देखिए, आप लोगों से तो मैंने जो लेना था वो ले लिया है ना, और मेरी माँ बहने भी अपने अपने छतों पे है ना, और वो अगर हिस्सा लेना चाहती है अपने जेवरात के हवाले से, कुछ जेवर जो है सबका खैरात, सबका जो है ना अस्तगफिरुल्लाह, खैरात तो जो है मस्जिदों में लगते नहीं है ना, तो जो वो मस्जिद के नाम से देना चाहती है जेवरात के हवाले से, तो कोई एक आदमी जो ऐसा मोतबर हो वो औरतों के दरमियान जा करके भी वसूली कर सकता है ना। कुछ माँ बहने अपनी नाक की कील वगैरह या कोई जेवर कुछ भी हो जो मस्जिद के नाम पे देना चाहती है, तो वो बिल्कुल दे सकती है और उनके लिए बिल्कुल इजाजत है। तो कोई एक जिम्मेदार आदमी चाहे तो जा करके हमारी माँ बहनों से भी कुछ हासिल कर सकता है। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, खुदा के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा। कहते या रसूल अल्लाह, देसी घी का लड्डू चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा हो खाने में मजा आता। कभी कभी आप बोलते रहे, बिहार में जलसा हो रहा था, दाहिने वाले मुंह बंद करके सो रहे थे, बाएं वाले मुंह खोल करके सो रहे थे। एक मौलाना आए, कहे अजीबो गरीब कैफियत है, सारे के सारे लोग सो रहे हैं, तो मजमे से आवाज आती है मौलाना आप तकरीर करें। जो मुंह बंद करके सो रहे हैं वो आइडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो मुंह खोल करके सो रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कल अपनी शराफत खैराबाद मुबारकपुर के हवाले से पूरी दुनिया जानती है। शफिया हुजूर हाफिज़े मिल्लत की भी यादगार बड़े उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज़े क़ाज़ी शौकत अली हबीबी साहब क़िबला, उस्ताद मदरसा शफिया ज़ालूम खैराबाद, वो बानी मदरसा शमसिया ज़ालूम बहादुरगंज की आमद आमद है। ये तमाम तरमाए कराम जिनके कदम की बरकतें जिसे मिल जाए उसके घर का एहतराम अभी देश शहर भी करता है। मैं जल्दी जल्दी से बोला हूँ, वक्त की बहुत किल्लत है। बताइए सब कहते हैं या रसूल अल्लाह हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, खुदा के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा। जो मुंह बिगाड़ कर लेगा मेरे नबी का नाम, तो उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दूंगा। जो मुंह बिगाड़ कर लेगा मेरे नबी का नाम, तो उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दूंगा। शकर खिला के सिखा कर नमाज बच्चे को, शकर खिला के सिखा कर नमाज बच्चे को, गुलामे हजरत बाबा फरीद कर दूंगा, गुलामे हजरत बाबा फरीद कर दूंगा, गुलामे हजरत बाबा फरीद कर दूंगा, गुलामे हजरत बाबा फरीद कर दूंगा। सलीके के साथ नबी की नाम पढ़ने वाला वज़ीमु शान शायर शायर आज़म हिंदुस्तान जनाबे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, ये मुहताजे तारुफ नहीं है, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शराफत जिसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में इंकलाबी ज़िम्मेदारी का मालिक, इंकलाबी लहजे के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में नबी की नात कहने पढ़ने सुनने वाला वज़ीम मद्दाह जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी की बारगाह में मैं अर्ज़े हुज़ूरी पेश कर रहा हूं। ईमानी बेदारी के साथ इमाम की इस्तक़बाल कर ले, नारे तकबीर। सारे लोग बेदारी की सब लगाए। ये तासुब है कि उम्मत की लहू पी की हिफाजत के लिए है, उम्मत की लहू पी की हिफाजत के लिए है, शाने पे जो सर है वो शहादत के लिए है। हम दर से नबी दिल से भुला बैठे हैं, वरना इस्लाम तो दुनिया में हुकूमत के लिए है, इस्लाम तो दुनिया में हुकूमत के लिए है, लेकिन हालात ये दिखाई देता है कि हमेशा दुश्मन जाति निगहबानी में रहना है, हमेशा दुश्मन जाति निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। नारे तकबीर।